बच्चों नमस्कार। बच्चों कैसे हैं आप? साइंस फॉर क्लास फोर्थ, फोर्थ क्लास की साइंस में हम जो चैप्टर आजकल पढ़ रहे हैं वो है फूड एंड वाटर। अब उस फूड एंड वाटर में लास्ट टाइम हमने कुकिंग ऑफ फूड पढ़ा था कि फूड को हम किस तरीके से कुक करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, और मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन भी पढ़ा था कि जो भोजन हमारा होता है वो हमको उसको किस तरीके से खराब होने से अलग अलग मेथड्स का यूज करके हम उनको खराब होने से बचाते हैं। अब आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है वाटर, यानी पानी जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी बात हमको आज करनी है आपके साथ। तो वाल ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव, सारी जिंदा चीजों को जिंदा पानी की जरूरत होती है ताकि वो जीवित रह सके। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमारे शरीर के बहुत सारे काम जो है वो पानी की प्रेजेंस में होते हैं। सो वाटर फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिविंग, तो इसलिए पानी जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन जो है बरसात जिसे हम कहते हैं वो मुख्य स्रोत है। व्हेन रेन वाटर फ्लोज ऑन द ग्राउंड, जब वो रेन का पानी यानी बरसात का जो पानी है वो ग्राउंड का मतलब पृथ्वी पर धरती पर फ्लो होता बहता है तो मैनी इम्प्योरिटीज बहुत सारी अशुद्धियां जिनमें कहते हैं डर्ट हो गई, गंदगी हो गई, डर्ट मिट्टी हो गई, गार्बेज हो गया, एंड जर्म्स गेट मिक्स विद इट। तो बरसात का पानी ऊपर से गिरेगा तो साफ होता है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी की मिट्टी, पृथ्वी की गंदगी और कई तरीके के छोटे मोटे जर्म्स भी उस पानी के अंदर मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेमिनेटेड वाटर। कैसा वाटर बोला बेटा? इसको बोला कॉन्टेमिनेटेड वाटर, जिसमें अशुद्ध नहीं है, अशुद्धि मिली हुई है। कॉन्टेमिनेटेड का मतलब वो जिसमें कुछ चीज की मिलावट हुई है ना, उसे हम कॉन्टेमिनेटेड वर्ड कह देते हैं। किसी भी चीज में मिला दीजिए, शुद्ध ना हो तो वो मिलावट वाला कॉन्टेमिनेटेड हो गया, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो तेल हो, कुछ भी हो, वो कॉन्टेमिनेटेड हो गया, मिलावट वाला हो गया। वी शुड बी केयरफुल अबाउट द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसको बड़े देख करके पीना चाहिए हमें। वाटर में कंटेन जर्म्स विच में मेक अस सिक, पानी के अंदर बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं जो हमें क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे, कर देते हैं ना बच्चों। दिस वाटर में कॉज डिजीज, और इससे क्या हो जाती है, हमें बीमारियां हो जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां बता रहा है ये? टाइफाइड, कॉलरा, जॉइंडिस। तो पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में क्या बता दिया? टाइफाइड, कॉलरा, हैजा जिसे हम कहते हैं बेटा, जॉइंडिस, पीलिया कहते हैं इसे हम, ठीक है। वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस, हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी पीने पानी का, जो पानी जो हम पीते हैं उसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी जिन्हें हम कह रहे हैं प्रिकॉशंस। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमको रखनी है उनको पढ़ रहे हैं। ड्रिंक टैप वाटर, इट इज सेफेस्ट फॉर ड्रिंकिंग एज इट इज प्योरिफाइड बाय ट्रीटिंग विद द केमिकल्स। एक तो आपके घर में जो पानी आता है आपकी टूटी के अंदर, घर के अंदर जो सरकार के द्वारा लगाया गया पानी है उसी का पानी पिए, क्योंकि उस पानी को कुछ केमिकल्स का यूज करके साफ किया जाता है। पहली बात तो ये है, यू कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड हैंड पंप्स टू, हम नलके का पानी भी पी सकते हैं, कुएं का पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पीना। लेकिन कब पिए?
इफ इट इज ट्रीटेड विद केमिकल्स, अगर इसमें कुछ केमिकल्स मिलाए गए हैं और उसको साफ किया गया है तो तभी आप इस पानी को पिए, तभी ये पानी जो है आपके पीने के लायक है। तीसरी चीज कह रहा है, एक पॉइंट बताया कि टैप वाटर पिए, दूसरा वेल्स का वाटर पी सकते हैं, तो हैंडपंप का पानी पी सकते हैं, और तीसरी कुछ सावधानी भी बता रहा है आपको, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग आउट वाटर। किसी जगह से अगर पानी आप निकाल रहे हैं, जैसे मटके में से, घड़े में से पानी निकाल रहे हैं, तो हाथों को धोकर प्रयोग करें, ठीक है। और कहते हैं क्लीन कंटेनर विद अ लॉन्ग हैंडल टेक आउट वाटर, और उसमें हाथ नहीं डालें, किसी तरह का ऐसा बर्तन जिसके अंदर हैंडल लगा हुआ हो उससे पानी को डाल लें, किसी ग्लास के अंदर या किसी दूसरे बर्तन के अंदर, ठीक बात है। ये तीसरा पॉइंट था जो कि हमें पानी जो पी रहे हैं हम उसमें क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी है। बॉयल फिल्टर एंड कूल द वाटर, यानी जो पानी है उसको आप उबाल कर भी पी सकते हैं, उबालिए, छानिए और उसके बाद ठंडा कर लीजिए, ठंडा करने के बाद उसको आप पीजिए, ये भी बिल्कुल सेफेस्ट है, बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि जब आप उसे बॉयल करेंगे उबालेंगे तो उसमें से जो अशुद्धियां हैं, जो जर्म्स हैं, वो मर जाएंगे, और अगर किसी तरह की चीज मिली हुई है तो वो उसमें से क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी, छन जाएगी। कीप द वाटर इन ए क्लीन वेसल, किसी बर्तन जो कि साफ सुथरा बर्तन है उस बर्तन के अंदर, साफ सुथरे बर्तन के अंदर पानी को रखें, एट ए क्लीन प्लेस, एक साफ सुथरी जगह पर भी, आफ्टर प्यूरिफाइंग इट, इसको साफ करके उसको साफ जगह पर रखें। वाटर इन द वेसल शुड बी चेंज डेली, और किसी बर्तन में अगर आप पानी भर के रखते हैं तो उसको डेली चेंज भी करें, ठीक है, तो बासी हो जाए, पुराना हो जाए, उसको पानी को ना यूज करें। ये कुछ सावधानियां, चार सावधानियां आपको बताई गई कि पानी जब आपने पीने वाला यूज करना है तो आपने क्या क्या प्रिकॉशन सावधानियां रखनी है। चलिए अब बात आ रही है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यानी पानी को साफ करना। अब साफ कैसे करते हैं, अभी बताया ना आपको ऊपर कि केमिकल से साफ करते हैं, तो वो केमिकल से साफ करने का जो बातें बताई जा रही हैं वो क्या है। कहते फॉर डोमेस्टिक यूज वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग। डोमेस्टिक यूज का मतलब है घर पर अगर आपने पानी को पीना है तो उसको क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, छानिए और उसको उबाल लीजिए। Within filtration, suspended and floating impurities are removed, but soluble impurities and germs are not. जब filtration करते हैं, छानते हैं, तो पानी के अंदर कुछ तैरती हुई चीजें जो कि उसके अंदर float कर रही हैं, तैर रही हैं, उनको निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ अशुद्धियां और germs जो उसमें मिले हुए हैं, अच्छी तरह से mix हैं, उनको आप filter करके अलग नहीं कर सकते। The impure water is filtered. अब पहले filtering की बात कर ले, तो इम्प्योर वाटर को कैसे फिल्टर करोगे, थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, रेत और कंकड़ होते हैं उनकी परत डाल करके उस पानी को फिल्टर कर लिया जाता है। कलर एंड स्मेल ऑफ डर्टी वाटर डज नॉट चेंज इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। अगर आप उसको छान भी लेते हैं तो तब भी अगर उसका रंग में कुछ चेंज है तो वो चेंज और उसके अंदर जो स्मेल अगर कुछ आ रही है तो वो गायब नहीं होती है फिल्ट्रेशन से, ठीक है। टू मेक दिस वाटर जर्म फ्री, अगर आप चाहते हैं कि इस पानी के अंदर जो जर्म है, किसी तरह के कीटाणु हैं, तो उसको करने के लिए बॉयल इट, आप इसको बॉयल कीजिए, उबालिए। बॉइलिंग फॉर 10 मिनट किल्स मोस्ट ऑफ द जर्म्स एंड देन कूल इट। 10 मिनट तक इस जर्म वाले पानी को उबालिए, जर्म उसमें मर जाएंगे और आप उसको क्या कर दीजिए, अब अलग कर लीजिए और ठंडा कर लीजिए। इफ द वाटर हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द डीप वेल, अगर गहरे कुएं से पानी निकाला गया, इट शुड ओनली बी ट्रीटेड बाय पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट और एक दूसरी बताई जा रही है क्लोरीन, तो पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन नाम की जो दवाई है उसको आप पानी में डाल दीजिए, अगर आपने गहरे कुएं से पानी को निकाला है तो। बॉइल्ड एंड केमिकली ट्रीटेड वाटर, बॉयल किया हुआ और रसायनों से ट्रीट किया हुआ पानी जो है शुड अगेन बी फिल्टर्ड, इसको फिर से छान लीजिए थ्रू मुस्लिन क्लॉथ, एक पतले कपड़े से, एंड शुड बी स्टोर्ड इन
क्लीन कंटेनर कवर्ड विद लिड और उसको फिर ढक करके रख दीजिए, बस हो गया, साफ पानी पीने लायक हो गया। तो इस तरीके से आपने आज पानी के बारे में पढ़ा, कंटेमिनेटेड वाटर क्या होता है, साथ ही साथ हमें सावधानियां क्या बरतनी है जब हम पानी को पिए, ठीक है, किस तरीके से हम पानी को, पानी होना चाहिए कहाँ से लेना चाहिए, कैसे हमें हाथ साफ करने चाहिए, कैसे पानी को रखना चाहिए, और उसके बाद हमने प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ा, यानी पानी को किस तरीके से हमको प्योर करना है, उसमें घुली हुई अशुद्धियों को कैसे करना है, बॉयल करके करने की बात की गई, केमिकल से की गई, फिल्ट्रेशन से की गई, तो ये सब चीज़ें आज हमने सीखी। तो इस तरह से ये चैप्टर बच्चों ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।